हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करें जहां पर हायर मैथ्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट मैंने अभी जो वीडियो स्टार्ट किए हैं अपलोड करना फॉर वैक्टर स्पेस, जहाँ पर मैंने सब स्पेस है, वैक्टर स्पेस क्या होता है, सब स्पेस क्या होता है, देन उस एलजेब्रा सब स्पेस है, उस पर बारे में काफ़ी सारा कंटेंट आपको दिया है। तो यहाँ पे आई टैब है, यहाँ पे जाके मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं। इसमें मैंने अभी नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जहाँ पर मैंने एप्टीट्यूड के वीडियोस अपलोड किए हैं सी एस आई आर नेट मैथमेटिक्स। अगर आप सी एस आई आर नेट लाइफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर आप तैयारी करें तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, वो भी आप आई टैब पर जाके यहाँ पे देख सकते हैं। सो इसमें देखिए लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में आपको नॉलेज देने वाला हूं। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है तो वो भी आप आई टैब पे जाके देखें, उसके बाद इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, राइट। सो देखिए आप स्टूडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट के बारे में कि लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस अ फाइनाइट सेट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन ऑफ अ वेक्टर वी इज सेट टू बी अ लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए वन ए टू ए एन बिलोंग्स टू एफ। ये फील्ड के एलिमेंट है ना, ये स्केलर्स है, राइट, है ना। मतलब ऐसे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन के लिए ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे, नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, मतलब सभी जीरो नहीं है, है ना, ठीक है। सच दैट ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए एन अल्फा, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब ये हुआ कि जो ये ए वन ए टू ए एन है ये सभी जीरो नहीं हो, है ना, कोई नॉन जीरो मिल जाए जिसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। तो वो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अभी मैं बताऊंगा क्या कंसेप्ट है लीनियरली, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा आपको, डेफिनेशन एक बार समझ लीजिए, है ना। इसी टाइप से बात करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस अ फाइनाइट सेट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन ऑफ वेक्टर्स इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एवरी रिलेशन ऑफ फॉर्म, देखो यहां पे है ना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा फॉर वही ए वन ए टू ए एन बिलोंग्स टू एफ, सच दैट ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए एन ए थ्री अल्फा एंड ए एन अल्फा एन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। जहां पर जो ए है वो फील्ड का एलिमेंट है, पर ये जीरो तभी होगा जब यहां पे सभी ए जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्लियर है। यहां पे ये कंडीशन होती है कि नॉट ऑल ऑफ ए इज जीरो, राइट, पर यहां पे अगर ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है तो इसके जो सभी स्केलर्स हैं उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी ही चाहिए, राइट। यहां पे जीरो होना जरूरी नहीं, यहां पे जीरो होनी ही चाहिए, राइट। एन इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर वी इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ इट्स एवरी फाइनाइट सबसेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज इट इज लीनियरली डिपेंडेंट, क्लियर है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट में यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अगर उसकी वैल्यू जीरो है तो वहां पे सभी स्केलर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर कुछ जीरो नहीं है और फिर भी उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है तो उस वाले केस में वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप, फाइंड वेदर द सेट ऑफ वैक्टर्स वी वन इज इक्वल टू वन टू वन एंड थ्री वन फाइव एंड थ्री माइनस फोर सेवन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, आपको ये पता लगाना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, क्लियर है। तो जब भी ऐसा होता है हम सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, तो हम यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री हमने तीन स्केलर्स ले लिए, तो ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री, इसमें यहाँ पे ए वन और ये वी वन की वैल्यू यहाँ से रख दी, ए टू और वी टू की वैल्यू रख दी, वी थ्री की रख दिया। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट की एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास ये, फिर ये सेकेंड एलिमेंट है ना, क्या होगा टू ए वन प्लस ए टू माइनस का फोर ए थ्री, है ना, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। इसी टाइप से थर्ड के साथ आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इसमें इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इन तीनों आपके पास देख रहे हो ये होमोजीनियस इक्वेशन है स्टूडेंट, ये इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है। और जब भी होमोजीनियस इक्वेशन है और आपको यहाँ पे पता लगाना है इसका सोल्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं स्टूडेंट, अगर इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है तब हमारे पास यहाँ पे जो ए वन है ए टू है और ए थ्री है तीनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ट्रिवियल सोल्यूशन माना जाता है, है ना। और अगर बाई चांस यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होता है तब हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन आता है वो नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है, राइट। तो हमें यही देखना है यहाँ पे कि इसका डिटरमिनेंट है वो जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, स्टूडेंट्स का जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, और नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है। देखिए आप इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है आपके पास, जीरो आ रहा है, 100% अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, मतलब तीनों जो ए वन ए टू ए थ्री वो जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, राइट, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप पता कर सकते हैं। सो द रैंक ऑफ, अब जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है आप इस रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, जैसे इक्वेशन दे रखा आपको, राइट। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ,
ये दे रखा है, अगर आपको ये पता लगा ना शॉर्ट में कि इसकी ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो स्टूडेंट इसका ट्रिक ये होता है, आप क्या करें इसकी रैंक निकाल लीजिए, 1, 2, 1, 3, 1, 5 and 3, -4 and 7, आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी ऐसे लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको आप कॉलम फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें इसको ऐसे लिखिए 1, 2, 1, 3, 1, 5 and 3, -4 and 7, कॉलम फॉर्म में लिखेंगे, इसको कॉलम में लिखना है, राइट। स्टूडेंट क्या करेंगे, रैंक निकाले, जब भी रैंक निकाले स्टूडेंट आईटी पे जाके वीडियो देख लेना, रैंक बहुत अच्छा समझा है, राइट। तो इधर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों को जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, रैंक हम कैसे निकालते हैं, आर टू, इसको जीरो बनाना, तो इसको टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो क्या होगा आर टू माइनस टू आर वन, है ना, टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, देन ये आर थ्री, इसको जीरो बनाना, तो स्टूडेंट क्या होगा आर थ्री, क्या होगा हमारे पास आर थ्री माइनस आर वन, है ना, इसको सीधा माइनस कर दीजिए, राइट। तो चेक करेंगे देखो क्या होगा स्टूडेंट, वन थ्री थ्री, इसको टू से माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, स्टूडेंट इसको टू से माइनस करेंगे तो ये माइनस फाइव आएगा, है ना, छः में से एक गया तो माइनस, स्टूडेंट टू से मल्टीप्लाई करेंगे छः और ये हो जाएगा माइनस का टेन, देन इसको सीधा माइनस करेंगे जीरो, इसको सीधा माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा एट टू, इसको सीधा माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा आपके पास फोर, क्लियर है, है ना, सात में से तीन गया तो चार, राइट। अब इसको जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस माइनस टू, राइट। तो जब भी ऐसा करना हो तो इसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव टू ये टेन हो गया, ये टेन हो गया, दोनों को एड कर दो जीरो हो जाएगा, राइट। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा ध्यान दीजिए आप, आर थ्री, तो हम क्या करेंगे फाइव को आर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का टू आर टू, राइट। जिसे हम करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए आपके पास वैल्यू आएगी वन थ्री थ्री, जीरो माइनस फाइव माइनस टेन, देन आप इसको माइनस करेंगे यहाँ पे तो टेन माइनस टेन जीरो हो रहा है ना, यहाँ पे और बीस और ये भी बीस, ये भी जीरो हो रहा है, तो आप देख रहे हो इसकी जो रैंक आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, टू आ रही है, और जब इसकी रैंक टू आ रही है इसका मतलब ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। जब थ्री वैक्टर्स है और उसकी रैंक थ्री आती है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, जब थ्री वैक्टर्स है और रैंक थ्री से कम आ रही है तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, राइट। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, आप इस तरीके से भी इसको चेक करेंगे, आई थिंक दिस इज इजीएस्ट वे टू चेक द लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कंसेप्ट, या इसका डिटरमिनेंट से भी चेक कर सकते हैं, अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स का तो वो इंडिपेंडेंट होगा, और डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखिए अब क्या होगा, शो दैट द सेट वन एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ द वैक्टर्स इन द वैक्टर स्पेस ऑफ अ ऑल पॉलिनोमियल ओवर द रियल फील्ड, राइट। आपको पता लगाना कि ये क्या है यहाँ पे वेक्टर स्पेस है, तो इसमें हमें क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसके कोफिशिएंट को पकड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप अगर इसकी पॉलिनोमियल इसके कोफिशिएंट को ले लीजिए, इसको कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बना, देखो ये तरीका तो है ही आपको, है ना, ए बी सी ले लीजिए, है ना, देन ए बी सी ले लेंगे आप, है ना। तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे ए को इससे मल्टीप्लाई किया, बी को इससे किया, सी से किया, है ना, ए बी सी हमारे पास स्केलर है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन सा है, ए प्लस सी हो जाएगा, फिर एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे ए प्लस सी आएगा, बी प्लस सी आएगा, देन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जीरो पुट करेंगे इसको तो यहाँ पे सब जीरो जीरो के बराबर आ जाएगा, राइट। इसको हम क्या करेंगे जीरो के बराबर पुट करेंगे ना, तो ए प्लस सी जीरो, बी प्लस सी जीरो ऐसे आ जाएगा, देन इसको ए प्लस बी ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, जीरो जीरो आ जाएगा, तो ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, राइट। पर इसका तरीका एक और है जो मैं बताना चाहता हूँ, क्या करेंगे आप यहाँ से आप फर्स्ट पॉलिनोमियल देखेंगे तो इसका कॉन्स्टेंट वन है और एक्स और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जीरो जीरो है ना, है ना, इस तरह से लिखेंगे, देन यहाँ वन यहाँ एक्स है तो इसका कॉन्स्टेंट वन है जीरो है और एक्स का कोएफिशिएंट वन है, ऐसा आ जाएगा ना, यहाँ पे वन का कोएफिशिएंट मतलब कॉन्स्टेंट का कोएफिशिएंट लिखना है, एक्स का लिखना है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट लिखना, राइट, वन का लिखिए, ठीक है। यहाँ देखिए वन का कोएफिशिएंट भी वन है एंड वन है एंड वन है, तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो देख रहे हैं आप इसकी जो रैंक होगी वो कितनी होगी, थ्री होगी, और अगर रैंक इसकी थ्री है तो ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तीन वैक्टर है और तीनों की रैंक थ्री आ रही, दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्लियर। तो इस तरह से इसको इजीली यहाँ पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर लेके कर ले, या फिर हम क्या करें इसका रैंक निकालें, तो रैंक वाला मैंने आपको बता रखा बड़ा इजीएस्ट मेथड है, इसको हम आराम से इस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट। ये मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरह से देखो ये जो भी हमारे पास वैक्टर है इसको हम क्या करेंगे कॉलम में लिखेंगे, जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या आएगा, ये ऐसा आएगा ना, इस तरीके से आएगा, कैसा आएगा ये टू 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 फोर, है ना, देन ये क्या आएगा 2, -2, -4 and 0, देन ये आएगा 4, -2, -5 and 2, इसमें आएगा 4, 2, 1, 6, देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे इसकी रैंक निकालेंगे, अगर इसकी रैंक 4 आ गई तो ये इंडिपेंडेंट है और 4 से कम आई तो ये डिपेंडेंट है, सीधी बात, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए आप
यहाँ पे इसकी रैंक निकालेंगे तो सबसे हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाएंगे, वही तो आर टू माइनस आर वन, आर थ्री माइनस आर वन एंड आर फोर माइनस टू आर वन, तो ये आ जाएगा, है ना। देन स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको इसको जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, और जैसे आप इसको और इसको जीरो बनाएंगे, देखो ये वाली लाइन से ये सीधा जीरो हो रहा है ना, सेम आ रही लाइन तो जीरो हो रहा है, तो स्टूडेंट इसकी जो रैंक आएगी वो क्या आएगी, चार से कम आएगी, और चार से कम आएगी तो आप सॉल्व करेंगे इसकी रैंक टू आएगी। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज, है ना। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव फोर माइनस टू नॉन जीरो सॉल्यूशन एंड हेंस द सेट ऑफ वैक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, हैज गिवन वैक्टर इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर। तो इस तरीके से इस टाइप की क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना। अब होता क्या स्टूडेंट, कभी कभी हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमसे ये पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट दिस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, एंड इफ दे आर डिपेंडेंट देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। आपको उनके बीच में क्या निकालना हो, रिलेशन निकालना हो। तो रिलेशन कैसे निकालते हैं, राइट। तो रिलेशन भी बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। एक बार अपन ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रिलेशन वाला कांसेप्ट भी बता दूंगा। सो प्रॉब्लम नंबर फोर देखिए, शो दैट द वेक्टर्स A1, A2 एंड B1, B2 ऑफ V2C आर LD इफ एंड ओनली इफ A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू जीरो, वेयर C इज द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। सो A, B बिलोंग्स टू C, हमें दे रखा, हमने यहाँ पे ले लिया है ना, फील्ड से एलिमेंट ले लिए A, B, है ना, और ये हमारे पास वेक्टर दे रखे, तो A इंटू दिस वेक्टर एंड B इंटू दिस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, A1 एंड B1 ये एक साथ आ जाएगा, A2 B2 इज इक्वल टू, स्टूडेंट दोनों को जीरो पुट करेंगे, है ना, जीरो पुट करेंगे तो हम यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे, और हम जानते हैं कि इसका जो रैंक है वो क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, या फिर इसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। देखो डिटरमिनेंट जीरो होगा तो रैंक क्या हो जाएगी, टू से कम हो जाएगी, राइट। तो डिटरमिनेंट जीरो होगा, डिटरमिनेंट बराबर जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये A1 B1 एंड A2 B2 कोफिशिएंट, A और B की कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे, है ना, देन इसका डिटरमिनेंट जीरो पुट कर देंगे, ना जीरो पुट करेंगे तभी वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, है ना। तो क्या होगा, A1 A2 माइनस B1 A2 B1 आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो, दस द गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स, जैसे ये क्वेश्चन है ना, आपको ये बोल रखा कि ये जो है ये ऑब्वियसली यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है ना, तो इन तीनों जो वैक्टर्स है इन तीनों के बीच में यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन होगा, राइट। आप देख रहे हो यहाँ पे इन तीनों, मैं यहाँ पे रिलेशन भी निकालना सिखा देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाए, राइट। तो देखिए रिलेशन कैसे निकालते हैं, मान लीजिए इन तीनों, देखो ये हमने प्रूव तो कर दिया कि लीनियरली डिपेंडेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन था लीनियरली डिपेंडेंट, अब हमें यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन निकालना है ना। तो मान लीजिए कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, लेमड़ा वन लेमड़ा टू लेमड़ा थ्री से डिनोट करता है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे इसको, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, है ना, क्या लिखेंगे, लेमड़ा वन वन कोमा टू कोमा वन, है ना, प्लस लेमड़ा टू क्या है यहाँ पे, थ्री कोमा वन कोमा फाइव, है ना, प्लस लेमड़ा थ्री, देन यहाँ कितना आएगा स्टूडेंट, थ्री कोमा माइनस फोर कोमा सेवन, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बराबर जीरो आ जाएगा यहाँ पे, है ना स्टूडेंट, वही यहाँ पे आपने A1 A2 A3 लिखा, तो अल्टीमेटली A1 A2 A3 A1 A2 A3 ले लो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो ये A1 A2 A3 है, इनकी वैल्यू निकालोगे तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, बिकॉज यहाँ पे जो इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है वो क्या है, नॉन जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास A1 A2 A3 की क्या आएगी, वैल्यूज आएगी। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो आप वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आपको बता दूँ, इस मैट्रिक्स से निकल जाएगी आपके पास वैल्यू, है ना, ये मैं बताता हूँ इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, मैं समझा देता हूँ इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 1 3 3, देन ये आएगा 2 1 माइनस 4, देन आएगा आपके पास 1 5 एंड 7, राइट। मैं इसकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, राइट, है ना, माइनस फोर, और यहाँ पे आएगा ये A1 A2 A3 एंड ये आएगा आपके पास 0 0 0, राइट। पहले हम इसकी रैंक निकाल लेते हैं ना, ताकि हमें हमारे लिए इजी पड़ जाएगा क्वेश्चन। तो मैं इसकी रैंक निकाल देता हूँ, रैंक कितनी आ रही है, यहाँ पे निकाल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो रैंक कैसे निकालेंगे, अभी मैंने रैंक बताया था वैसे आपको, है ना, क्या था देखिए यहाँ पे 1 2 1 एंड 3 1 5, देन कितना आएगा यहाँ पे 3 माइनस 4 एंड 7। तो मैंने आपको बोला था इसको इससे माइनस करो, अभी जस्ट पहले बता चुका हूँ, मुझे लगता है ये बता चुका हूँ मैं आपको, फिर भी बताता हूँ। 2 से माइनस करेंगे तो 0, देन यहाँ पे 2 से माइनस करेंगे तो -5, देन 2 से माइनस करेंगे तो ये आएगा -10, है ना, देन ये सीधा माइनस करेंगे 0, देन ये आएगा आपके पास 2, देन ये आएगा आपके पास 4, इसमें इसको सीधा माइनस करेंगे तो 1 3 3, देन ये आएगा 0 -5 -10, देन ये आएगा 0 0 0 0, इसमें नहीं आ जाएगा, ये उठा के यहाँ रख देंगे तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा देखिए 1 3 3, देन यार आपके पास 0 -5 -10 0 0 0, देन ये आएगा आपके पास A1 A2 A3 एंड 0 0 0, राइट। इसमें यहाँ पे क्या आएगा ये A1 प्लस, इसमें ये हम मैट्रिक्स जब सॉल्व करते हैं तब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंसेप्ट है, ये इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और माइनस का 5A2 माइनस का 10A3 इज इक्वल टू जीरो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लेट A3 इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं K, है ना,
या वन मान लीजिए, ए थ्री को वन मान लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ए थ्री को वन मान लीजिए, राइट, वन मान लीजिए, है ना, तो ए थ्री वन आ जाएगा आपके पास, तो ए टू हमारे पास कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा माइनस का, है ना, माइनस का टू आएगा, देखिए आप तभी आएगा हमारे पास, है ना, देखो ये वन रखेंगे तो उधर जाके टेन हो जाएगा, फाइव से डिवाइड करेंगे तो टू आ जाएगा, राइट। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, है ना, तो यहाँ से कितना आएगा, देखो ये ए वन, है ना, यहाँ वन रखेंगे तो यहाँ पे माइनस टू रखेंगे तो ये माइनस का सिक्स आएगा, और यहाँ पे थ्री रखेंगे तो ये माइनस का थ्री आ रहा है, और सॉरी प्लस का थ्री आ रहा है, इज इक्वल टू जीरो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए वन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस का थ्री आ रही है। अब ये ए वन ए टू ए थ्री तीनों आ गया, ये ए वन ए टू ए थ्री उठा के रख दीजिए, तो आपके बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा, इन वैक्टर के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो वैक्टर के बीच में रिलेशन क्या आ, देखिए आप ए वन की जो वैल्यू है वो उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, है ना, इसमें रख रहा हूँ, तो जैसे ही ए वन की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे तो ये आएगा आपके पास माइनस, एक्चुअली प्लस का थ्री आएगा ये, है ना, बिकॉज उधर जाके प्लस का हो जाएगा, राइट, है ना, तो ये आएगा थ्री वी वन प्लस, है ना, ओ सॉरी माइनस का टू वी टू प्लस का थ्री, ओ सॉरी प्लस का वी थ्री है ना, प्लस का वी थ्री है। तो कभी कभी आपसे ये पूछे कि प्रूव दैट दिस वैक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन दैम, तो ऐसे हम रिलेशन निकालते हैं। मतलब देखो ऑब्वियसली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी वैक्टर्स, जब भी हम वैसे हमारे जीवन में भी हम देखें कि जब भी डिपेंडेंसी होती है ना, जब हम किसी पे डिपेंड करते हैं तो हमारा एक रिलेशन होता है, जैसे फादर का बेटे से रिलेशन होता है ना, तो जब भी डिपेंडेंट वाली बात आती है तो वहाँ पे एक रिलेशन निकलता है, और जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता। जब भी हम किसी पे इंडिपेंडेंट, इसका मतलब हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं है, क्लियर है। तो जब भी डिपेंडेंट आएगा तब लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा, और लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा तो इस तरह से आप इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। सो इसमें मुझे लगता है कि जो मैंने आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट के बारे में बताया वो आपको समझ में आएगा, और नेक्स्ट मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ बेसिस और डायमेंशन के बारे में, देन हम आगे बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सो बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। लास्ट में लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टूडेंट ये मेरे यहाँ पे प्लेलिस्ट है, ये सीएसआर नेट एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है जहाँ पर मेरे एप्टीट्यूड की वीडियोस देख सकते हैं। स्टूडेंट ये मेरे लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है जहाँ पर आप वेक्टर स्पेस और सब स्पेस और उनकी वीडियोज आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।